पुलिस ने मुरहू की चर्चित विशुन पाहन उर्फ भैया हत्याकांड का उद्भेदन शनिवार को किया। इस मामले में पुलिस ने हत्याकांड में शामिल चार अपराधकर्मी जादू मुंडा ग्राम चालम बारूदी, विकास नायक उर्फ टूना ग्राम चालम, चंबर सिंह पाहन उर्फ बुधू पाहन ग्राम बुर्जू और रोहित मुडू ग्राम बलंगा बारीडी को गिरफ्तार कर ली है। उनके पास से पुलिस ने दो देशी कट्टा, दो जिंदा गोली, एक कार, एक बाइक और दो मोबाइल फोन बरामद किया है। अन्य तीन नामजद अभियुक्त के विरुद्ध पुलिस छापामारी अभियान चला रही है। इस संबंध में एसडीपीओ अमित कुमार ने मुरहू थाने में प्रेस वार्ता कर जानकारी दी कि गत 21 जून की देर रात सिरका पसराबेड़ा के विशुन पाहन की हत्या गोली मार कर की गई थी। किशुन 21 जून की रात अपने परिजनों संग किसी कार्यक्रम को लेकर टेम्पो में सवार होकर अड़की के बिरबानकी गांव जा रहा था। तभी उसकी रेकी कर जंगल के समीप टेम्पो से उतार उसकी हत्या कर दी गई। घटना के कारणों की जानकारी देते हुए एसडीपीओ ने बताया कि विगत पंचायत चुनाव के दौरान विशुन और कुछ लोगों में खटास आई थी, जिसके बाद 7 लोगों ने मिलकर उसके हत्या की साजिश रची और मौका देख घटना को अंजाम दिया। एसपी अमन कुमार के निर्देशानुसार एसडीपीओ अमित कुमार की अगुवाई में गठित एसआईटी की टीम ने गिरफ्तारी में रहे शामिल अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी और कांड उद्भेदन में एसडीपीओ अमित कुमार, थाना प्रभारी मुरहू पंकज कुमार दास, अनी अर्जुन सिंह, दिगंबर पांड्य, बलराम कुमार सिंह, श्यामजीत किस्को और सशस्त्र बल मुरहू के जवान शामिल रहे। सिर्फ आपसी प्रतिनिधित्व के कारण जो प्रतिशोध है इसी घटना में एक प्लानिंग के तहत, एक सुनियोजित साजिश के तहत मृतक की हत्या की गई और उसके उपरांत सभी जो अपराधकर्मी हैं हम लोग।